फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी बर्ड मुस्ताक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक्सेल की सीरीज चल रही है और काफ़ी दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज हम एक्सेल में कुछ नया सीखेंगे और आज हम डेट एंड टाइम फंक्शन को कवर करने वाले हैं। कुछ डेट एंड टाइम फंक्शन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और उनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल सीखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी है, इतने कठिन नहीं है। चलिए, बातें कम काम ज़्यादा, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ले लीजिए, सबसे पहले तो थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं। ये नाउ फंक्शन है। नाउ, नाउ माने अब। तो नाउ फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन कंप्यूटर की करंट डेट एंड टाइम, ध्यान रखने वाली बात है, करंट डेट और टाइम दोनों को, जी हाँ, करंट डेट एंड टाइम दोनों को एक साथ आपकी जो एक्सेल की सीट होती है उसमें सेल में ये मंगा देता है। जैसे ये बराबर नाउ फंक्शन लिख के टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो एंटर प्रेस करने के बाद आपकी उस सेल में कंप्यूटर का जो करंट डेट एंड टाइम चल रहा होगा, गलत होगा तो गलत, सही होगा तो सही, वो उस सेल में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एक्सेल की फाइल ओपन की है आपके सामने और यहाँ पर मैं आपके सामने ही एक थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। देखिए, बराबर नाउ और कुछ नहीं लिखना है, केवल ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट बंद करना है, ये खाली रहता है, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं आता। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए, कंप्यूटर की जो भी डेट है और जो भी टाइम चल रहा है, गलत है तो गलत, सही है तो सही, वो टाइम ऑटोमेटिकली आ चुका है। ठीक है, इस टाइप से ये जो आता है। एक और बता दूं मैं आपको थोड़ा सा, कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे भी आता है कि केवल डेट लिखने के लिए कंप्यूटर एक्सेल की सेल में केवल डेट को इंसर्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है, तो उसके लिए आप ध्यान रखना, कंट्रोल दबाना है और जो कॉलन होता है L के बगल से, जो की दी है L के बगल से जो कॉलन वाला साइन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये डेट ऑटोमेटिक आ चुकी है। और कभी कभी आता है कि एक्सेल की सेल में केवल हमें टाइम इनपुट करना है तो टाइम मंगाने के लिए क्या किया जाता है, तो उसके लिए आप कंट्रोल दबाएंगे और शिफ्ट दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट, और उसी बटन को जिससे भी आपने डेट मंगाया था उसी को दबा देंगे, यानी कि कंट्रोल प्लस कॉलन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन दबाएंगे तो वो कंप्यूटर का डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्यूटर में सॉरी टाइम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कंप्यूटर के अंदर शॉर्टकट की से भी डेट और टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे नाउ के बारे में। नाउ फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये नाउ लिखा हुआ है, जैसे लिखा तो कंप्यूटर की डेट और टाइम दोनों एक साथ सेल के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला जो फंक्शन है वह है डे फंक्शन। तो डे फंक्शन क्या होता है दोस्तों? डे फंक्शन किसी भी डेट में से केवल डे को निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, ये डेट आपके सामने लिखी हुई है, ये डेट। ठीक है, पहले डेट भरते कैसे हैं, मैंने भी आपको बताया था कि कंट्रोल प्लस कॉलन दबा देंगे, मतलब कॉमा वाला सेमी कॉलन, तो डेट आ जाती है। इसके अलावा आप बराबर डेट ब्रैकेट लगाएंगे और ये ईयर जो आपकी चल रही है वो, कॉमा आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा, मंथ जो महीना है वो, कॉमा और जो डेट है वो आप डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिकली डेट के फॉर्मेट में सेट हो जाता है। अब इस डेट में से आपको सिर्फ डे निकालना है,
सिर्फ डे, अभी आप तुम्हें सीख लो, बाकी मैं आगे प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, काम करने के लिए दूंगा, तो वहाँ आपको समझ में आएगा इनका यूज़ कहाँ पे क्यों करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इस डेट में से केवल डे निकालना है, केवल दिन दिन, तो बराबर डे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इस डेट पर क्लिक कर देंगे, और ब्रैकेट बंद करके जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो इसमें से जो डे होगा यानी कि 18 वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। तो किसी भी सेल में से डे को निकालने के लिए हम डे फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप मंथ लिख देते हैं और मंथ निकालने के लिए ऐसे क्लिक करेंगे तो उस डेट में से केवल मंथ यानी कि 11 आ जाएगा, और ईयर निकालना है तो आप ईयर लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, सेल पर क्लिक करेंगे डेट वाली पर, और उसमें से जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ईयर भी आ जाएगी। किसी भी डेट में से डे निकालने के लिए डे फंक्शन, मंथ निकालने के लिए मंथ फंक्शन, और ईयर निकालने के लिए ईयर फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ। आगे टुडे फंक्शन दिया हुआ है। टुडे फंक्शन क्या होता है दोस्तों? टुडे फंक्शन का इस्तेमाल अगर आप बराबर लिखेंगे, TODAY लिखेंगे, टुडे लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो केवल डेट डेट ही इंसर्ट होगी। अगर किसी सेल में आपको डेट और टाइम दोनों मंगाना है तो बराबर नाउ लिखेंगे, फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और केवल डेट मंगाना है तो आप बराबर टुडे, टुडे मतलब आज, तो वर्तमान की डेट जो होगी कंप्यूटर में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये तरीका है किसी भी डेट को इंसर्ट करने का। आप कोई डेट आपको सेल में मंगानी है तो बराबर टुडे लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, फंक्शन लगा के केवल डेट आ जाएगी। इसके अलावा आप कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन दबाते हैं तो भी डेट डेट कंप्यूटर की सेल में आ जाती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। डेट के बाद कुछ टाइम फंक्शन दिए हैं दोस्तों। टाइम फंक्शन क्या होता है? टाइम फंक्शन का इस्तेमाल हम कोई भी टाइम फिल करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल बराबर टाइम लिखेंगे, और यहाँ देखिए आप नीचे ये आवर दिखा रहा है, तो मान लीजिए अभी 9 बज रहे हैं, कॉमा मिनट, मान लीजिए 25 मिनट हो रही है, कॉमा सेकंड अभी हुई है, मान के चलिए 20 सेकंड। तो ये इस तरीके से टाइम हुआ। एंटर प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली टाइम को सेट कर लेगा फॉर्मेट में। तो इस प्रकार से हम किसी भी टाइम को इनपुट कर सकते हैं, और उस टाइम में से अगर आपको मिनट और आवर वगैरह निकालना है बाहर, जैसे कि हमने ये डेट निकाली थी, डेट में से डे मंथ ईयर निकाला था, उसी प्रकार किसी भी टाइम में से हम मिनट और आवर वगैरह को भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मिनट लिखा मैंने और यहाँ मैंने क्लिक किया, तो इसमें से जो भी मिनट होगी 9:25 में जो मिनट है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो देखिए 25 आ चुका है। और आपको आवर निकालना है तो आप आवर लिखेंगे, ठीक है, और उस घंटे पर जो टाइम लिखा है उस पर क्लिक कर देंगे, उसमें से केवल आवर आवर यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 9 आ चुका है। तो इस प्रकार से हम किसी भी डेट को टाइम को फिल कर सकते हैं। उसमें से केवल डे निकलना है तो डे फंक्शन, मंथ फंक्शन, ईयर फंक्शन, और टाइम के लिए सेकंड और आवर फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनट और आवर फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने जो सीखा है वो है, एक तो नाउ फंक्शन, राइट, टुडे फंक्शन, मिनट फंक्शन, सॉरी कर लेते हैं डे फंक्शन, मंथ फंक्शन, ईयर फंक्शन, टुडे फंक्शन, ठीक है, डेट फंक्शन, इसके बाद हमारे टाइम में टाइम फंक्शन, मिनट फंक्शन, और आवर फंक्शन, ये हमने आज सीखे। नाउ टुडे डे मंथ ईयर, टुडे डेट टाइम मिनट आवर, ठीक है। एक बार मैं जाते जाते फिर से आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूँ। बराबर नाउ फंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं, सॉरी
तो यहाँ पर नाउ लिखेंगे, ब्रैकेट प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही कंप्यूटर की डेट और टाइम आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको केवल डेट चाहिए तो आप बराबर टुडे इस्तेमाल करेंगे, टुडे, सॉरी केवल टुडे लिखेंगे तो ये केवल डेट आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इस डेट में से केवल डे निकालना चाहते हैं तो डे फंक्शन लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर उस डेट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते ही उसका केवल डेट जो डे डे होता है वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मंथ निकालना है तो आप ऐसे मंथ लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर उस डेट को चुनेंगे और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये उसका मंथ आ जाएगा। और बराबर अगर ईयर लिखते हैं तो ईयर सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर और जैसे ही अपन स्पेस देंगे या अपन एंटर प्रेस करेंगे तो उसका आप देखेंगे यहाँ पर ईयर भी आ जाएगा। तो ये तरीका हुआ आपका, ठीक है। ये टुडे भी करा दिया मैंने आपको। और डेट फंक्शन जो होता है, डेट से क्या होता है, हम किसी भी डेट लिखते हैं अगर, तो हम किसी भी फॉर्मेट में, अगर हम मालूम नहीं है कि कंप्यूटर में पहले मंथ आता है कि ईयर आता है मालूम नहीं है, तो हम इस डेट फंक्शन की हेल्प से लिख सकते हैं। यहाँ डेट पर क्लिक करेंगे, 2020 दिखा रहा है यहाँ पर ईयर कॉमा, यहाँ मंथ दिखा रहा है, आप मंथ डाल दीजिए, और यहाँ पे डेट दिखा रहा है तो कोई भी डेट आप डाल दीजिए। जैसे ही आप डेट प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये डेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, ठीक है। और अब आते हैं टाइम फंक्शन पे। टाइम फंक्शन क्या होता है, सेम ऐसे ये भी है, टाइम लिखेंगे आप बराबर टाइम, तो ये आवर आप डालेंगे जो भी बज रहे हैं इस समय आप, ठीक है। मिनट आपकी जितनी भी हो रही हैं वो आप डाल देंगे, और जो सेकंड आपकी हो रही है वो डाल देंगे, ठीक है। सेकंड आप टाइप कर दीजिए, और जैसे ही आप इसे बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर की जो डेट और टाइम होगी वो ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। फिर ये मिनट और आवर जो होते हैं वो इस टाइम में से, जैसे हमने डेट में से यहाँ पे हमने डे निकाला था, मंथ निकाला था, जैसे इस टाइम में से मिनट और आवर निकालने के लिए ये मिनट और आवर फंक्शन होते हैं। ये मैंने मिनट लिखा, मिनट के अंदर मैंने क्लिक किया डेट टाइम को, सॉरी टाइम को क्लिक किया, और जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी आवर होगा, मिनट होगा, वो आ जाएगा। और जब मैं आवर लिखूँगा और यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं बंद करूँगा तो एंटर प्रेस करते ही जो भी आवर होगा तो ऑटोमेटिकली आवर आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आवर आ गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम टुडे, नाउ, डे, मंथ, ईयर और डेट, टाइम, मिनट और आवर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इन्हें आप केवल प्रैक्टिस करके देखो कि हाँ इसलिए यूज करते हैं, ऐसे करते हैं। बाकी का जब आगे मैं सिखाऊंगा प्रैक्टिकल चीज़ें तो वहाँ आपको इनका यूज़ समझ में आएगा, इसका यूज इस जगह पर ऐसे किया जाता है। फिलहाल केवल मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फंक्शन होता है, इसका इस्तेमाल अपन ऐसे करते हैं बस, है ना। और इस काम के लिए करते हैं, वो भी मैं आगे सीखेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो, जरूर बताइए मुझे। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बनते रहिए, कामयाब रहिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।